पूरे देश के अंदर इसके परिणाम हमारे खिलाड़ी पहले की तुलना में कई गुना अधिक मेडल प्राप्त करते हैं और अभी हाल ही में एशियन गेम्स में हमने भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा है। पहली बार एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 100 का आंकड़ा पार किया और पैरालंपिक में भी हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक मेडल देश के लिए जीते हैं। स्वाभाविक रूप से देश के अंदर गतिविधियां आगे बढ़ेंगी तो प्रदेश उससे कैसे अपने आप को अलग कर सकता है। एशियन गेम्स में चमत्कार आपने देखा होगा, देश की आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन जब मेडल की बात आई तो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में 25% जो मेडल है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने ही जीते हैं। इस अवसर पर यह वर्ल्ड चैंपियनशिप की बैडमिंटन की प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक नया मंच भी प्रदान कर रहा है। जो भी प्रतिभागी इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं उनके प्रति और इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, खेल और खेलकूद की गतिविधियों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार का जो सकारात्मक रुख है वो हमारे खिलाड़ियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म भी है और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए सरकार के द्वारा उन्हें हर संभव सहयोग देने के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त करने के लिए भी इस आयोजन में आया हूं। मुझे आने में काफी लेट हुई, आज से हमारा शीतकालीन सत्र विधानसभा का प्रारंभ हुआ है। शीतकालीन सत्र के कार्यक्रम में रहने के कारण विधानसभा सत्र के बीच से मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूँ, आगंतुक सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूँ और आप सभी उपस्थित खेल प्रेमियों का भी हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।